here we go. Hello guys, it's me Shahan Ahmed Khan back with another awesome video on our very own channel Supreme Fashion. This channel is all about men hair care, fashion and grooming, so let's get started. सो गाइस, इफ इन केस आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जो कि अराउंड 7 to 8 वीडियोस हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो सारे वीडियोस जाके देखें। काफ़ी अच्छे वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं अबाउट मेन हेयर केयर, स्किन केयर, फैशन एंड ग्रूमिंग, तो वो वीडियोस जाके देख ले। हम काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो, और इफ इन केस आपको अच्छा लगता है कोई सा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ जो है ब्लैक हेड के ऊपर। तो सो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा हमारे कंपेयर टू अलग बाकी सारे वीडियोस से, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक हेड्स के बारे में। मुझे पता है कि 90% ऑफ द व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि ब्लैक हेड्स क्या है। अगर आपको नहीं पता देन कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपका भाई आया है तो ज़रूर बता कर ही जाएगा। ब्लैक हेड्स की बात करें तो वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम में से है, कॉज बाय द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ऑयल ऑन योर फेस एज वेल एज फ्रॉम डेड स्किन सेल। इसके काफ़ी सारे मेडिकल टर्म्स भी है। यू नो, आपके फेस पे काफ़ी सारे फॉलिकल्स होते हैं, यू नो, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी गड्ढे, छोटे छोटे होल्स, उसको हम लोग पोर्स भी कहते हैं। तो उसमें एक ऑयल होता है, उसको हम कहते हैं सबिशियस ग्लैंड। उसको होल में से काफ़ी सारा ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसे हम सीबम भी कहते हैं। जब ये प्रोडक्शन ऑफ ऑयलिंग ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, देन वो कभी कभी बाहरी इन्वायरमेंट डस्ट के वजह से ब्लॉक हो जाता है, और वो पोर्स ब्लॉक होने के बाद से प्रिवेंट करता है कॉमेडो यानी कि ब्लैक हेड। तो ये एक मेजर रीज़न है ब्लैक हेड होने का। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ अपने हर वीडियोज़ में, स्किन केयर वीडियो में, कि आप एक्सफोलिएशन बहुत ही मस्ट नेसेसिटी है अगर आप शहर में रह रहे हो और दिन भर आप बाहर जा रहे हो, और ये बहुत ही मस्ट नेसेसिटी कि आप फेस को एक्सफोलिएट करो। इसी ये एक मेजर रीज़न है जो आपको ये जो ब्लैक हेड होता है, ये इसका मेजर रीज़न है। तो आइए जानते हैं कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसके होम रेमेडीज तो है, बट इफ़ यू वांट इंस्टेंट रिजल्ट देन चारकोल मास्क इज़ अ मस्ट नेसेसिटी एट योर वार्डरोब। मार्केट में एज वेल एज ऑनलाइन स्टोर काफ़ी सारे मास्क अवेलेबल तो है, बट आज जो हम यूज़ करने जा रहे हैं इट्स फ्रॉम द ब्रांड अर्बन गबरू। छोटे बढ़ा दे, दिस इज द प्रोडक्ट एज यू कैन सी, इट्स फ्रॉम अर्बन गबरू ब्लैक पील ऑफ मास्क। तो चलिए चल के देखते हैं कि क्या ये कर सकता है, व्हाट्स द प्रोडक्ट कैन डू, सो लेट्स ग्रो। और हम आपको दिखाएंगे कैसे इसे अप्लाई करना है, कैसे रिमूव करना है, इसके प्रोज और कॉन्स सब कुछ बताएंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, आप इसे एंडिंग तक देखें, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। सो लेट्स गो एंड चेक आउट द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट इटसेल्फ। एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइस, अगर बिफोर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट मेक श्योर कि आपकी हेयर यू नो टाई अप होना चाहिए। अगर आपके बाल सामने से काफ़ी लॉन्ग है, लाइक माइन अच्छे हैं ना बाल लंबे हैं, तो प्लीज़ इसे टाई अप कर ले अच्छे से, क्योंकि इसका और आपके हेयर का कोई भी रिलेवेंस नहीं है। तो अगर ये हेयर पे थोड़ा सा भी लगता है तो इट कैन कॉज डैमेज, सम सीरियस डैमेज, तो आप वो नहीं चाहोगे। तो प्लीज़ आप इसे कवर कर लेना अच्छे से, या फिर किसी भी बैंड या फिर कैप लगा लेना बिफोर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट। सो लेट्स गो, चलते देखते हैं कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने क्रू के ऊपर देखेंगे हम ये, अपने DOP के ऊपर हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं, तो लेट्स गो एंड सी व्हाट इट कैन डू, लेट्स गो गाइस। सो गाइज, अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि कैसे आप ये प्रोडक्ट चारकोल पील ऑफ मास्क फ्रॉम अर्बन गबरू कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें हमारा हेल्प करने आए हैं हमारे फ्रेंड, हमारे बहुत खास दोस्त हमज़ा। ये हमारे चैनल का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, हमारा DOP, हमारे एडिटर, बहुत मतलब 60% ऑफ द काम यही करते हैं हमारा। तो थैंक यू बडी फॉर जॉइनिंग अस एंड डूइंग समथिंग अ ग्रेट जॉब। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि मैंने इसके बाल बांधे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपने हेयर को यू नो टाई अप करना पड़ेगा, फिर कोई भी हेयर बैंड लगा के उसे बांध देना पड़ेगा, लेकिन इसके हेयर ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, तो नो नीड ऑफ दैट, डायरेक्टली हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपका जो फेस है वो ऑयल फ्री रहे, यानी कि कहना चाहता हूँ कि आप उसे अच्छे से क्लीन कर लो बिफोर अप्लीकेशन, फेस वॉश या किसी भी माइल्ड फेस वॉश से क्लीन कर लो, एंड देन यू आर गुड टू गो विद दिस प्रोडक्ट। सो अप्लाई करते हैं इसे, इतना क्वांटिटी मिलेना कि आप इसे पूरे फेस पे लगा सको, जनरली नोज़ एरिया पे लगा सकते हैं आप इसे। तो ये आप लो प्रोडक्ट, ले लिया मैंने प्रोडक्ट और मैं इसे लगा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है इसकी, आप देख सकते हो काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का है, थोड़ा सा स्टिकी कंसिस्टेंट है इसका, आप देख सकते हो। मैं इसे पूरा नोज़ पर लगा दूँ, जैसे
जनरली हमारा ब्लैक हेड्स नोज एरिया पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको नोज़ एरिया को पूरा कवर कर लेना है। अगर आप अकॉर्डिंग टू कितना आपका है, कितने अमाउंट में आपका ब्लैक हेड है, आप उसी हिसाब से आप लगा सकते हो। इसका ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैं इसे पूरा आपको दिखाने के लिए जस्ट कैसे आप इसे लगा सकते हो मैं वही दिखा रहा हूँ। तो ये देख लो आप, मैंने इसके पूरे नोज एरिया को और थोड़े से चेन एरिया को कवर कर लिया है। अब इसको एटलीस्ट 20-30 मिनट्स के लिए, 20-25 मिनट जनरली आपको रखना है इसे, एंड रेस्ट करने देना है। एंड देन इसे हम रिमूव करेंगे, थोड़ा सा इधर ही लगा देते हैं। अब हम थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे एंड देन आफ्टर 30-25 मिनट्स वी शुड रिमूव दिस पील ऑफ मास्क। तो मिलते हैं आपको 30 मिनट्स के बाद। सो गाइज वी आर फाइनली बैक आफ्टर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे रिमूव करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा पेन होगा, आपको थोड़ा सा पेन बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद जब इसे रेगुलर अप्लाई करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगा। तो ये हम इसे ये कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है इफ़ इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यू नो रिमूव कर रहे हो। तो ये हमें रिमूव कर दिया, देख सकते हो ये रिमूव हो गया। और ये जो लेफ्ट ओवर है ये आप नॉर्मल वाटर से क्लीन कर सकते हो, और विथ वार्म वाटर से भी क्लीन कर सकते हो, नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हो। तो हम मिलते हैं आफ्टर क्लीन, उसका फिर फेस क्लीन करने के बाद मिलते हैं इसको। सो गाइस फाइनली हमने चारकोल मास्क को रिमूव कर दिया हमजा के फेस पे से, और आइए इसके पर्सनल एक्सपीरियंस, इसका ओपिनियन जानते हैं कि कैसा इसे प्रोडक्ट लगा यूज़ करने के बाद। तो बता तुझे कैसा लगा? चारकोल मास्क अप्लाई करने से पहले मेरे नोज़ पे ब्लैक हेड्स थे, फेस पे ऑयल ज़्यादा मेरे जमा हो जाया करती थी, पर आफ्टर यूजिंग अर्बन गबरू चारकोल मास्क अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, फेस पर क्लीनिंग महसूस हो रही है, फेस पर जो ब्लैक हेड्स थे वो भी रिमूव हो गए। और जैसे कि मैंने सुना था कि वो रिमूव करने से, पील ऑफ करने से पेन महसूस होता है, तो अब वो बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हुआ, सच्ची कह रहा हूँ, बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हुआ। तो इट्स फील गुड फॉर मी, यस। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कैसे इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं फेस पे और कैसे रिमूव करते हैं, तो आप समझ गए होंगे। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप कैसे, मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ, प्रोज एंड कॉन्स। तो अब बात करते हैं, तो दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोज यानी कि जो चीज़ें इसके बारे में अच्छी है, उसके बाद बात करेंगे कॉन्स की यानी जो चीज़ें इस प्रोडक्ट के बारे में उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। तो तीन प्रोज मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि जो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी है। आप कॉइन साइज अमाउंट में अगर लेते हो प्रोडक्ट को तो इजीली आप पूरे नोज़ को कवर कर सकते हो और पूरे चेन एरिया को कवर कर सकते हो। तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी सही लगी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब आप इसे लगाते हो प्रोडक्ट को और वो ईजिली रिमूवेबल है, आप 20-25 मिनट्स के बाद रिमूव कर सकते हो, जो कि पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। हमजा के फेस पे यू नो थोड़े थोड़े फेशियल हेयर्स थे जो उसने बिल्कुल भी फील नहीं किए रिमूव करने वक्त, उसे बिल्कुल भी लगा नहीं कि थोड़ा बहुत पेन हो रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है स्मूथनेस। जब आप इसे रिमूव करते हो तो काफ़ी स्मूथ इफेक्ट फेस पे रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता बट थोड़ा देर के लिए रहता ही है, अराउंड 2-3 आवर्स के लिए रहता है, तो विच इज़ वेरी गुड। आप अगर बाहर जा रहे हो तो उतने देर के लिए वो उतना स्मूथनेस काफ़ी सही है। तो ये तीन चीज़ें मुझे सही लगी। और अब बात करते हैं कॉन्स की, यानी जो चीज़ें मुझे उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी। तो सबसे पहली चीज़ें वो है इसकी आउटर पैकेजिंग, यानी कि जब ये प्रोडक्ट आया था मेरे पास, मैंने करीब 2-3 महीने पहले ऑर्डर किया था अमेज़न से, और जब मुझे प्रोडक्ट मिला तो बिलीव मी प्रोडक्ट की हालत, आउटर जो इसका बॉक्स था वो उसकी बैंड बच चुकी थी, तो मुझे लगा कि मेरा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका होगा। बट फॉर्चुनेटली प्रोडक्ट सही था और प्रोडक्ट अभी मेरे हाथ में है, तो आप देख सकते हो। तो पैकेजिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कहीं भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है, बिलीव मी गाइस, कहीं भी प्राइस नहीं लिखा हुआ आगे पीछे कहीं। हो सकता है शायद मेरे यूनिट प्रॉब्लम हुआ होगा, बट कहीं भी प्राइस नहीं है, बट यहाँ लिखा हुआ पीछे सी इन द बॉक्स, यानी किसी भी यूनिट पे शायद प्राइस नहीं लिखा हुआ है। और इस पैकेट पे बॉक्स पे प्राइस लिखा है, बट बॉक्स मेरे पास से गुम गया तो बॉक्स मेरे पास नहीं। दूसरी चीज़ मुझे ये लगी। और तीसरी और लास्ट चीज़ मुझे लगी कि क्वांटिटी
ओनली 60 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी, मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा कम है बिकॉज आप 300 रुपीज़ अराउंड पे कर रहे हो, 300-350, मुझे प्राइस भी याद नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अगर आपको चाहिए तो आप जाके ले सकते हो, प्राइस भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो मुझे तीसरी चीज़ लगी कि जितना ये प्राइस ले रहे हैं उस हिसाब से क्वांटिटी नहीं दे रहे, अराउंड 80-100 ग्राम्स एटलीस्ट होना चाहिए था ये प्रोडक्ट, काफ़ी छोटा लगता है दिखने में बट फिर भी अगर आपको लगे कि ये आपके लिए है देन यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट। वेल गाइस, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है ये डिसाइड करने में वेदर दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू और नॉट, तो एक लाइक तो बनता है चैनल के ऊपर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये हमारा फर्स्ट एवर यू नो रिव्यू है प्रोडक्ट के ऊपर, हम आगे भी ज़रूर रिव्यू लाएंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो जस्ट आपका लाइक और मोटिवेशन चाहिए, आपका सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए बस इतना ही, दिस इज शाहान, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, स्टे सुप्रीम, दिस इज शाहान साइनिंग ऑफ, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो।